प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे समर्पित राष्ट्रभक्त। केंद्र सरकार स्वदेशी मोबाइल ऐप बनाने में स्टार्टअप कंपनियों को करेगी सहयोग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। और सावन की पहली सोमवारी पर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। बहुत बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में, मैं हूं रश्मि वात्सायन। आइए इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा है कि उनके विचार और आदर्शों ने राष्ट्र के लोगों को संबल दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 119वीं जयंती है। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि डॉक्टर मुखर्जी एक समर्पित राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने भारत के विकास में असाधारण योगदान दिया है। उन्होंने देश की एकता को और मजबूत करने के लिए प्रेरणादायक प्रयास किए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर लिखी गई एक पोस्ट में कहा है कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने के लिए तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। कोरोना अपडेट। प्रदेश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 3004 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 8765 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 277 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से संक्रमित कुल 11860 मामले प्रकाश में आए हैं। पटना में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना सिटी के भगत सिंह चौक और सदर गली से लेकर नौजर कटरा मोड़ इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आलमगंज के मीना बाजार और शिकारपुर इलाके को भी सील किया गया है। कोरोना के इस दौर में सावधानी और बचाव सबसे बड़े हथियार हैं। सरकार तो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चला ही रही है, लेकिन अनेक जगहों पर स्वयंसेवी संगठनों ने भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। पश्चिमी चंपारण में बापूधाम ट्रस्ट इन दिनों सैनिटाइजेशन और लोगों के बीच मास्क वितरण का काम कर रहा है। एक रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण की पवित्र भूमि जो बापू की कर्म भूमि भी रही है। बापू ने ही पहली बार स्वच्छता का अलख जगाया था। चूंकि आजकल कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए स्वच्छता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर जगह स्वच्छता रखना और मास्क पहनना, इन दो उपायों को अपनाकर हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। इन दिनों बापू धाम ट्रस्ट ने पश्चिमी चंपारण में घर घर निःशुल्क सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत लौरिया प्रखंड से की गई। बापू धाम ट्रस्ट के संस्थापक और भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे एपी पाठक ने कहा कि इस मुहिम के तहत अब राज्य के तमाम क्षेत्रों में सैनिटाइजर मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा।
का कार्यक्रम सबको करना चाहिए, जो सक्षम है, जो संस्थाएं हैं उन्हें निश्चित रूप से इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं है। सरकार भी कोशिश कर रही है और सरकार भी जहां तक संभव सरकार कर ही रही है, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं करें तो और बड़ी अच्छी बात है। श्री पाठक इसी जिले के निवासी हैं। इसी मिट्टी के लाल पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव भी इस मुहिम में साथ साथ हैं। उनका कहना है कि समाज में जो सक्षम है उन्हें आगे आना चाहिए। हमने घर को जिंदाइज करके इस कोरोना को भागना है। हमने एक स्लोगन रखा है, बापू धाम ट्रस्ट ने हराना है, सैनिटाइजेशन से कोरोना को हराना है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दिशा में संस्था का ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही इससे दूसरे साधन संपन्न लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बात श्रावणी सोमवारी की। आज सावन का पहला सोमवार है। इस हर साल सोमवारी पर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की मांग पर छोटे छोटे शिव मंदिर खुले हुए हैं, लेकिन वहां भी भगवान को छूने पर रोक है। भगवान शिव पर दूर से ही जल अर्पण करने की व्यवस्था की गई है। बहुत तरह का मंदिर तो बंद है, लेकिन आज सावन का पहला सोमवारी है। और ये कोरोना आ गया है, और क्या क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? हाँ, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में आना जाना लगा ही रहता है। चंद्रमा को शीश पर होने के कारण आज सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज भगवान भोले का विशेष पूजन पाठ, रुद्रा विशेष, ये सब करने का बहुत पुण्य फल है। पटना स्थित महावीर मंदिर में इस अवसर पर रुद्राभिषेक हो सकेगा। रुद्राभिषेक के लिए एक बार में दो ही भक्तों को मौका मिलेगा। शिव मंदिरों में जलाभिषेक पर रोक है, लेकिन शाम में होने वाली भव्य आरती और श्रृंगार पूजा यथावत होगी। वहीं इस साल देवघर में भी कांवर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मंदिर में भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 10 जुलाई तक राज्य के लोगों को भारी बारिश और वज्रपात से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। पटना और मुंगेर में आज सुबह तेज बारिश हुई, हालांकि बाद में धूप निकल आया। पटना में जल जमाव की निकासी के लिए 32 नई मशीनें मंगाई गई हैं, जिससे कि 24 घंटे के अंदर पानी की निकासी हो सके। बच्चों को कठिन विषयों पर सहजता से शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान शुरू किया है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में सरकारी स्कूलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। लेकिन नवादा के केदुआ मध्य विद्यालय में चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत जोड़ घटाव और गुणा भाग के सूत्रों के साथ सूर्य और पृथ्वी के खगोलीय ज्ञान को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। साथ ही हमारे जीवन में नदियों और पर्यावरण के महत्व को भी चित्रात्मक तरीके से बताया जा रहा है। शरीर विज्ञान को आसानी से चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और राज्य के नक्शा के जरिए छात्रों को सामाजिक अध्ययन संबंधी पेंटिंग भी करवाया जा रहा है। इस कार्य में लगी छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुलने पर बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक चित्रों से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सर के थ्रू हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है करके, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डेको हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए, ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं, और यहाँ पे मनोरंजन का उन लोग को बना दिया है। उन लोग के पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े, उन लोग की जानकारी का ये सब दिया हुआ है।
और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। इस संबंध में नवादा जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार चौधरी का कहना है कि पहले चरण में 75 विद्यालयों की दीवारों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है, दूसरे चरण में 132 विद्यालयों में पेंटिंग करवाने का लक्ष्य है। 70 प्रथम चरण में 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है, जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है, उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है। दूसरे चरण में हम लोग 132 स्कूल को चयनित किए हैं, जो सभी संकुल विद्यालय हैं, और इसमें भी हम लोग लक्ष्य हमारा है कि 15 जुलाई तक इस काम को हम लोग पूर्ण कर लें। बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। स्कूली बच्चे उकेरी गई चित्रों के माध्यम से सामान्य ज्ञान की जानकारियां आसानी से हासिल कर सकें। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। और अगले 3 मिनट में देश विदेश की 10 बड़ी खबरें तेज रफ्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को किया लॉन्च, कहा आत्मनिर्भर भारत का मकसद प्रगतिशील विकास की रणनीति को अपनाना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में एनडीए में कोई विवाद नहीं है, लोजपा एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के सभी घटक दल बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पटना की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नोजर घाट से दीदारगंज तक बनेगी एलिवेटेड सड़क। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में विशेष फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल हब बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद राशन कार्ड वितरण के काम में आई तेजी, अब तक 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को दिया गया राशन कार्ड। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की लंबित परीक्षाएं हो सकती हैं रद्द, मानव संसाधन मंत्रालय जल्द जारी कर सकता है दिशा निर्देश। राजद का कल 24वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने आवास से साइकिल रैली निकाली और पार्टी ऑफिस तक गए। प्रदेश में जारी बारिश के बाद दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है, निचले इलाकों में पानी फैलने के बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। समस्तीपुर जिले में भी बूढ़ी गंडक, कोसी और कमला बलान नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है, बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंधों की सुरक्षा के लिए काम तेज किया। और कटिहार जिले के दिलारपुर पंचायत के कृष्णा नगर से गांधी टोला तक तटबंध निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे समर्पित राष्ट्रभक्त। केंद्र सरकार स्वदेशी मोबाइल ऐप बनाने में स्टार्टअप कंपनियों को करेगी सहयोग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। और सावन की पहली सोमवारी पर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना।